हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द टफ गेमिंग चैनल में। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट लाने वाला हूं, तो इस वीडियो में हम मीडियम एंड हाई सेटिंग्स पर देखेंगे कि हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सारी सेटिंग्स को मीडियम पर रख दिया है और DLSS बैलेंस पे है। तो अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं। मुझे मीडियम सेटिंग्स पर भी 8GB रैम में 40+ FPS देखने को मिल जाते हैं। तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो आप 8GB रैम पे भी मीडियम सेटिंग्स पर इजीली खेल सकते हो गेम। कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो कि मैं स्विंग कर रहा हूँ तब भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी मैं आपको कुछ कॉम्बैट भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर अंदाज़ा आ जाएगा कि मीडियम सेटिंग्स पर कोई लैग हमें देखने को नहीं मिलेगा। कॉम्बैट में भी हमें 40+ FPS देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, वो भी मीडियम सेटिंग्स पर 8GB रैम में। अब देखिए कि स्ट्रीट पर वॉक करते हुए भी हमें 40+ FPS देखने को मिल ही रहे हैं। FPS थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन लैग तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, अभी हम सेटिंग्स को हाई पर रख कर देखते हैं कि हमें कितने FPS देखने को मिलता है, और DLSS को हम बैलेंस पर ही रखेंगे। हाई सेटिंग्स पर ग्राफिक बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाई सेटिंग्स पर भी कुछ 40+ FPS ही देखने को मिलता है, तो आप इजीली हाई सेटिंग्स पर भी खेल सकते हो 8GB रैम पे। स्पाइडरमैन गेम खेल रहे हैं, और अगर हाईएस्ट बिल्डिंग का जंप ना लगे तो फिर तो रिव्यू पूरा ही नहीं होगा हमारा। तो चलिए फटाफट हम कोई हाईएस्ट बिल्डिंग पे चलते हैं और तो वहाँ से जंप करके देखेंगे। Oh.
वो यहाँ से आप न्यूयॉर्क सिटी पूरी देख सकते हो, क्या कमाल की लग रही है ना। स्ट्रीट पर कुछ स्टंट करके भी देखे थे, उसमें भी FPS हमें 40 प्लस देखने को मिल रहे थे हाई सेटिंग्स पे। चलिए अब हम सूट चेंज करके देखते हैं, इसमें डिफॉल्ट कुछ सूट्स आए हैं तो हम चेक करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। आयरन स्पाइडर, यार आयरन स्पाइडर हाई सेटिंग्स पे कितना जोरदार लग रहा है ना। तो मेरे स्पाइडरमैन गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो 8GB रैम ऐसे तो इनफ है अगर आपको डिसेंट सी गेमिंग करनी है। लेकिन अगर आपको कोई ऑनलाइन स्ट्रीम करनी है या ऐसा कुछ है तब तो 16GB ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो आप 8GB पे भी काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये हमारी सुपर हीरो वाली एंट्री, और भी काफ़ी सारे सूट्स आए थे इसके अंदर तो हम चेक करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्पाइडरमैन जो था उसका सूट है, वो ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखो। फिर ये जो लास्ट मूवी आई थी उसका सूट है, ये भी देखो आप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्ट्रीट पर रनिंग करते हुए भी हमें 40 प्लस FPS ही देखने को मिलते हैं 8GB रैम पे। अरे ये भाग क्यों रही है, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने DLSS को परफॉर्मेंस पर रख के भी चेक किया था तो परफॉर्मेंस पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 40 प्लस FPS ही देखने मिल रहे थे। तो फिर मैंने डायरेक्ट वेरी हाई सेटिंग्स पर स्विच कर दिया था। अब रिव्यू कर ही रहे तो पूरा ही रिव्यू करेंगे, तो वेरी हाई पे भी मैंने इसको चला के देखा था लेकिन वेरी हाई पर हमें कुछ देर तो अच्छे FPS मिल रहे थे लाइक 40, पर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ गया था और गेम स्टक हो गई थी,
तो वेरी हाई के लिए हमें 16 GB रैम मस्ट है। तो ये था गाइज मेरा रिव्यू मार्वल स्पाइडरमैन पीसी का। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।